टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मुझे तो पता है ना, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। अरे समझने की कोशिश करो ना, मेरा नाम है माला, मैं कर दूंगी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल, मुझसे दोस्ती कर लो। कर लो, साबिर अली को पता भी नहीं चलेगा, कर लो ना। ये खैरन घर को खुला छोड़ के कहाँ जा रही है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? ओ, कहीं माला ठीक तो नहीं कह रही थी? खुद देखना पड़ेगा। ये क्या कर रहा था वो खालू चिपकली? खालू चिपकली मेरे मुंह पे मुझे चिपकली कह रहा है? खालू तुमको थोड़ी कह रहा हूँ, वो दीवार पे चिपकली है। मेरी तरफ चिपकली है? तेरी जुरत कैसे हुई मेरे तरफ की चिपकली देखने की? और तुझे किसने इजाजत दी कि मेरी तरफ की चिपकली तू देखे? वो खालू वो अबे क्या वो कर रहा है? मेरे घर की दीवार पे छिपकली बैठे, गेंडा बैठे, ऊंट बैठे, हाथी बैठे, शेर बैठे, चूहा बैठे। वो खालू तुम्हारी छिपकली थोड़ी थी, वो तो खाला खैरन की छिपकली थी जो ना तुम्हारे घर की दीवार पे चढ़ गई थी। मैं तो उसको वापस बुला रहा था। हाँ। नया काम, छिपकली को वापस बुला रहा था। जरा कैसे बुलाते हैं छिपकली को? एक मिनट, इधर बात सुन। पहले तो तू ये तय कर कि ये तू बुला रहा है या भगा रहा है, पहले तो ये तय कर। वो खालू मैं तो ना बुला रही था, वो नहीं आती तो मार ही देता। वैसे भी खालू एक बात बताऊं, वो ना ऐसी आवारा चिपकने को ना मार ही देना चाहिए जो दूसरों की दीवार में झांकी करती है। हाँ, क्या अच्छी बात की है, वाह वाह वाह, कि ऐसी आवारा छिपकलियों को मार देना चाहिए जो दूसरों के घरों में झांकती है। हाँ। तो सबसे पहले तो तू मरेगा। तू झांक नहीं रहा था मेरे, इधर झांक रहा था। नहीं गालू, मैं तो ना छिपकली को झांक रहा था। एक बात सुन, एक बात याद रखना, तू हाला खैरन की छिपकलियों का ख्याल कर या कल खजूरों का, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। और अगर कभी मैंने तुझे देख लिया कि तू यहाँ पर छिपकली का पीछा करता हुआ तूने अगर सर उभारा तो मैं तुझे छिपकली की तरह रेंगने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है, मेरी टांगे तोड़ दोगे। टांगे? मैं तेरी मुंडी तोड़ दूंगा। तोड़ के दिखाऊं कैसे तोड़ते हैं मुंडी? चल दफा। हाँ। चल उधर कहाँ जा रहा है? नहीं चाहता, चल यार। कौन है भाई? मैं हूँ आशिम। हाँ बोल, क्या करने आएगा? खाला वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोल क्या बात करनी थी?
खाला वो चाचा जलाल का 5 लाख रुपए का लॉटरी में इनाम निकला है। कौन है ये चाचा जलाल? अरे खाला तुम्हारे मियाँ और कौन? अरे चुप कर, बकबक बंद कर अपनी। उसके पास कोई लॉटरी वाटरी नहीं थी। चल चल रास्ता नाप अपना। कसम ले लो खाला मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, पूरे 5 लाख रुपए का इनाम निकला है चाचा जलाल का। और ये बात तो सलीम को भी पता है। बावला हो गया तू। अगर जलाल के पास कोई लॉटरी का टिकट होता ना तो सलीम मेरा बच्चा है, मुझे बताता जरूर। अगर सलीम तुम्हें बताता ना खाला तो सारा पैसा तुम खुद ही हजम कर लेती। खाला मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि उन दोनों बाप बेटी की प्लानिंग है, तुम्हें कुछ नहीं बताया उन्होंने। ख्याल तो दोनों का बिल्कुल ठीक है। आने दो जलाल को, मैं देखती हूँ कैसे छुपाता है वो मुझसे। लेकिन एक बात तू भी याद रखना, अगर ये बात गलत निकली तो मैं यही सड़क पे लिटा के ना तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। खाला वो मेरा हिस्सा तो मिलेगा ना मुझे 5 लाख में से, आखिर मैंने तुम्हें इतला दी है खाला। सिर्फ इतला देने का हिस्सा मांग रहा है तू? अरे उनको भी 1 टका नहीं मिलेगा जिनकी लॉटरी है, तो तुझे कैसे मिलेगा? खाला ऐसा तो ना करो, 1 लाख रुपया तो मेरा भी हक बनता है। 1 लाख हिस्सा बनता है तेरा, बोल अभी दूं या बाद में लेगा? चल चल निकल यहाँ से। वाह खाला वाह, इतला सही निकली तो लात दूंगी और गलत निकली तो टांगे तोड़ दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो खाला, हाशिम दादा नाम है मेरा। अरे चल चल बड़े देखे तेरे जैसे, यहीं चीर के डाल दूंगी आ नहीं तो। वाह खाला वाह, खाला अपना हिस्सा तो मैं ले ही लूंगा। शबनम मैं जा रही हूँ इकबाल से मिलने, ठीक है? एक बार तो बच गई हो, बार बार नहीं बचोगी। अब्बा को पता चल गया तो? चुप खामोश पागल, नहीं पता चलेगा, मैं जा रही हूँ बस। अरे अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा तुम जाना क्यों चाह रही हो। या अल्लाह तू समझती क्यों नहीं है, मुझे फुप्पो का बताना है उसे ताकि वो अपनी अम्मा को घर भेजेगा। इतनी जल्दी क्या है, अभी फुप्पो आने वाली होंगी। अरे अगर फुप्पो आ गई तो मैं कैसे जाऊँगी बाहर, समझा करना तू। अरे तो फुप्पो को भी साथ ले जाना, आखिर कल को उन्हें भी तो लड़के से मिलवाना होगा ना। या अल्लाह कितनी बड़ी बेवकूफ, कभी तो अकल की बात किया कर तू। अब्बा और फुप्पो आ गए ना तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, देख मुझे जाने दे खुदा के लिए, मैं जा रही हूँ बस। अरे सुनो बुरका तो पहन के जा। तू तसल्ली रख बुरका पहन के जाऊंगी वरना अब्बा मेरी गर्दन काट देंगे, समझ आ रही है? और तू खामोश रहना बस। आना हुआ? बस चिश्ती, मैंने कहा मैं जरा तुम्हें दिखा दूं क्योंकि है ना मेरे सीने में जरा दर्द हो रहा है, बस यूं समझ लो कि क्या लग रहे हैं लगता है दौरा पड़ गया फिर से। अरे बासुन तो ये शर्म नहीं आती, 2 कौड़ी के मरीज, यानी यहाँ पर मुझे बिठाए हुआ हकीम को और हकीम की सीट पर तू बैठा, उड़े ऐसे शर्म नहीं आती? ऐसे मरीजों को मार मार के मैं उनकी खाल खींच देता हूँ जो हकीम की कुर्सी पर बैठते हैं। चलता बैठ, जा 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 आ रहा भाई। पता नहीं किस तरह के लोग चले आते हैं मेरे मतलब में, इस तरह के लोगों का तो मैं इलाज भी ना करूँ। हाँ बताओ कब से दर्द है तुम्हारे सीने में? हमारे सीने में दर्द कब है, आपके सीने में है। अबे बकवास कर रहा है, अभी तूने अपने मुंह से फूटा, आगे कहने लगा चिश्ती भाई मेरे सीने में दर्द है। अब तेरे सीने में दर्द है तो तू बता ये दर्द कब से, और हकीम मैं हूँ या तू है? फजूल की बातें कर, नफ्स दिखा, नफ्स चेक कर। ओहो रे भाई तेरी तो किडनियाँ चिपक गई हैं। तेरे तो दिमाग में भी दर्द है, आंखें भी टोटल लॉस हो चुकी है। ले भाई मुबारक हो, तेरा मैदा भी खत्म है। ओहो हाथड़ा 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 हाथड़ा, डर गया मैं, इस तक मरीज मेरे पास कभी नहीं आया, बहुत खतरनाक हालत में। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुझे जो है ना मैं माजून देता हूँ,
और वो जब तू खाएगा ना तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो मुंह खोलो मुंह खोलो भाई, ये तो मलाम है घुटने में लगाने के लिए। अबे तू हकीम को रास्ते दिखाएगा क्या? चलो पियो। थू थू थू, आराम आया कुछ? अरे आराम आएगा तुझे। अबे चिश्ती, बड़ा तेरा मेरा मजाक चल रहा है जो तूने मुझे यहां पर बिठा दिया है। दिमाग मत खराब किया कर, अपनी कुर्सी पे आओ, आओ जल्दी अपनी कुर्सी पे आओ। अजीब आदमी हो, खामखाई मुझे वहां पर बिठा दिया। अच्छा मैं ये कह रहा था चिश्ती के मेरे सीने में दर्द है भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बगल में हकीम साहब बैठते हैं, उनको दिखा, ये पकड़, ये पीछे उनका दे देना, जहां मेरा जान छोड़। अच्छा ही हुआ पैसे ले लिए, ये हकीम तो पागल हो चुका है, अल्लाह खैर करे। पता है इकबाल, मैंने ना शादी के सिलसिले में फुप्पो को बुलाया है। फुप्पो? फुप्पो से शादी वादी नहीं करूंगा मैं। तू पागल है क्या? उनसे शादी करने को कौन कह रहा है तुझे? मैंने फुप्पो को अब्बा से बात करने के लिए बुलाया है, वो अब्बा को राजी करेंगी। और मेरी अम्मा को कौन राजी करेगा? तेरी अम्मा जो है ना, वो मेरे अब्बा से बात करने से डरती हैं। वो फुप्पो से आसानी से बात कर सकती हैं। हाँ ये ठीक कह रही है तू। तू ना उस दिन खालू को टाफियां दे के बाहर भेज दियो घर से। हाँ रहने दे, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तू पप्पो को तो आने दे, फिर मैं अम्मा को राजी करके तेरे घर भेज दूंगा। सच्ची? कैसे हो बाले? बाले प्यार से कह रही हूँ, बाले में बहुत प्यार है। ए तू इसे प्यार से बाला क्यों कह रही है? इकबाल क्यों नहीं कहती? मैं इसे प्यार से बाले नहीं कहूंगी तो फिर कौन कहेगा? क्यों बाले? क्या मतलब है तेरा? हाँ क्या मतलब है? वाह, वैसे तो तू दीवार पे चढ़ के झांक झांक के मुझे देखता है, और अब जब मैं दुकान पर आई हूँ तो मुकर रहा है। अब वो, अरे मेकअप? हाँ मेकअप। नहीं क्यों, आज सुबह जब तू दीवार पे चढ़ के मुझे झांक रहा था तू मेरे लिए नहीं चढ़ा था, बोल ना। अरे वो तो मैं बस एक बार। अब नहीं बाली, सलमा छोड़ो ना, क्या तुम हर वक्त सलमा सलमा करते रहते हो? बाले मुझे 1 किलो कोश चाहिए, देना। दे रहा हूँ, जल्दी कर, नहीं तो मैं अपना बोरिया बिस्तर ला के यहीं रह जाऊंगी। खालू यहाँ क्या कर रहे? स्मेल लेवेंट का कौन रहता है? तो यहाँ किस लिए आए? जासूसी करता हूँ। Hum,
खालू कहाँ गए? लगता है धुआं बन के उड़ गए उस्ताद। है भी तो जिन की औलाद। अरे बाप रे, मेरी सांस चढ़ गई। इस बुढ़े की ना चढ़ी। जवानी में क्या दौड़ता होगा जो बुढ़ापे में दौड़ा। खैर आज तो बच गए खालू, कब तक बचोगे? एक ना एक दिन तो पकड़ ही लूंगा कि तुम यहाँ करने क्या आए। शबनम वहाँ, खालू यहाँ और मैं यहाँ। शब्बो मैं आ रहा हूँ। खालू मुझसे तेज थोड़ी दौड़ पाओगे? हाँ भाई, तो अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी में फोन करके बुलाया? वो कुछ खास बात नहीं थी, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था ना, आपकी बहुत याद आ रही थी। अरे बस बस रहने दो, मुझे सब पता है। फुप्पो को याद करने का जरूर कोई बड़ा सा मकसद होगा। वो फुप्पो आप सलमा से ही पूछ लीजिएगा ना। अरे तो फिर कहाँ है वो? मुझे बुला के खुद गायब हो गई। वो पड़ोस में गई है, बस आती होगी। अरे फुप्पो आप आ गई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ फुप्पो, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे सही नज़र नहीं आ रही। जी फुप्पो मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम लोगों ने आखिर मुझे बुलाया क्यों है? वो ऐसे ही बुलाया था फुप्पो, कोई ख़ास बात नहीं है। ये दोनों भी यही कह रही थी, मगर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने बस ऐसे ही बुलाया था आपको, कोई ख़ास काम नहीं था, बस आपसे मिलने को दिल कर रहा था। आप ऐसा करें पप्पो, बातें करें, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है? सब्जी वाला, सब्जी वाला ताजी सब्जी। हैं? ये सब्जी वाले को किस बात की जल्दी है, और वो भी इतनी रात में? मेरे ख्याल में सब्जी सड़ने वाली होगी, इसीलिए जल्दी में बेच रहा है। मैं देखती हूँ। सब्जी वाला, सलीम तू इस वक्त भाग जा, भाग जा, भाग जा। घर में पप्पो भी हैं, अब्बा भी आने वाले होंगे, जा। अब्बा, अब्बा नहीं आएंगे अभी तुम्हारे, मैं उन्हीं की तो जासूसी करके आ रहा हूँ। क्या मतलब? खालू मुझे दूसरे महल्ले मिले थे, उनको आने में अभी देर लगेगी, जो भी तो भाग भाग के आ रहा हूँ मैं। मगर ना फिर भी तू जल्दी चला जा, अंदर पप्पो बैठी है। एक बात बता, ये फुप्पो तो ठीक है, साथ में फुप्पो का लड़का तो नहीं है? भाई देख लो, ये फुप्पो उप्पो के लड़के ठीक नहीं होते, बता रहा हूँ मैं। चुप कर, उल्टी सुल्टी बकवास करता रहता है। फुप्पो को हमने ही तो बुलाया हमारी शादियों की बात करने के लिए। ये तो ठीक है, लेकिन हम तो एक ही दफ़ा शादी करेंगे, ये शादियों के लिए राजी करने की क्या ज़रूरत है? ए पागल, मैं सलमा और नाजिया की बात भी कर रही हूँ, लेकिन सलमा को पता नहीं क्या हुआ है, जब से मिल के आई है ना वो इकबाल से, तब से बहुत उखड़ी उखड़ी सी है। अब बात करने को भी मना कर दिया पप्पो से उसने, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कर लूँ पप्पो से बात? दिमाग खराब हो गया तेरा, मैं कहने को पूछी बात। तू जा, मैं सलमा से पूछूँ भी आखिर ऐसा क्या कह दिया इकबाल ने जो इतना खराब मुँह करके अपना बैठी हुई है। ठीक है, तू सलमा से पूछ, मैं इकबाल से पूछूँगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये फुप्पो के लड़के की वजह से इकबाल ने सलमा को बात करने से मना किया फुप्पो से। ये फुप्पो के लड़का जो है ना, दिमाग में कुछ खटक सा रहा है, ये फुप्पो के लड़के होते ही इस किस्म के हैं। लेकिन जब फुप्पो का लड़का है ही नहीं तो तेरे दिमाग में क्यों खटक रहा है? और फुप्पो के लड़के कुछ और, मेरा तो लंदन से रिश्ता आया है। लंदन से रिश्ता आया, कोई अंधा ही होगा। क्यों, तू अंधा है जो मुझसे शादी करना चाह रहा है? भाई मैं तो हूँ गरीब सब्जी वाला, मैंने सोचा चलो कोई नहीं मिल रही है तो सही काम चल जाएगा,
अब ज़ाहिर है लंदन वाले के पास तो बहुत सारे रिश्ते होंगे, कोई एक थोड़ी होगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम नहीं कर रही थी लंदन वाले का मजाक, हमने बर्दाश्त क्यों नहीं किया? अब देखो नाराज बात हो ना, देखो अपने नाराज बड़ी जल्दी हो जाती है यार। अब मनाने के लिए भी इस मौका बड़ी खालू नाज है उस्ताद, निकल ले प्यारे। नवेद ओ नवेद, अरे बोलो ना यार। तूने मुझसे वादा किया था कि तू पहलवान की बेवा से मेरी शादी की बात करेगा। हमारा वादा मशरूत था कि पहले तुम मेरे लिए बात करोगे फिर मैं तुम्हारे लिए, और तुम तो उस दिन खालू को देखते ही वहां से दुम दबा के भाग गए। अरे भागता नहीं तो और क्या करता, उसको तो मैंने उसके मुंह पर गधा कमीना और पता नहीं क्या क्या बोल दिया यार। क्या ये कब कहा तुमने? अबे कह दिया था एक दिन यार कि नवीद जिस बुड्ढे को सिगरेट देता है वो बहुत ही जलील कमीना और लालची और पता नहीं क्या क्या, ये सब कह दिया था यार। तुमने ये सब कुछ कह दिया खालू को? मुझे क्या पता कि तू सिगरेट उसी को देता है। अरे चाचा क्या क्या कह दिया तुमने? और ये कि तुम उसकी बेटी के चक्कर में हो, और उसका बाप जो है उसकी शादी के चक्कर में ना उसे बेवकूफ बना रहा है। अरे तेरी तो ये तुमने क्या कर दिया चाचा? वही मैं सोचूं, उस दिन उस बुड्ढे ने मेरे सिगरेट क्यों कुचल दिए और मुझे मारा भी, और मैं सोच रहा था कौन मेरी मुखबरी कर रहा है। यार देख यार, तेरी शादी मैं किसी और लड़की से करा दूंगा, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ वो पहलवान दूध वाले की बेवा है। यार मेरी बात समझ, तुम भी अपने लिए कोई और बेवा ढूंढ लो। अब देख यार, सारे महल्ले में सिर्फ एक ही अखलौती बेवा है जो मेरी उम्र की है। देख मेरी तो एक्सपायरी निकली जा रही है, मैं और कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो इंतजार करो, हो जाएगी। अबे क्या कह रहा है तू? अबे मैं किसकी बेवा होने का इंतजार करूं? अबे मुझे तो कोई और नहीं पता यार। अरे तरकीब ले लो मुझसे। तुम जाकर हकीम चिश्ती से मिलो, वो तुम्हें बताएगा कि कौन सी औरत कब कब बेवा होने वाली है। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त तरकीब बताई है। इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि महल में कौन कौन सी बेवा है, और मैं उनकी लिस्ट बना लूंगा। हकीम चिश्ती अपना मतलब खुला रखना, मैं आ रहा हूं। तुमने अभी तक बताया नहीं फिरदौस कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं ऐसे ही आई थी भैया, आपसे मिलने के लिए। बिला वजह तो तुम इस घर में आ नहीं सकती। अब आप क्या मुझे घर से भी निकालेंगे? अरे अरे अरे, अब जब आप आ गई हैं तो मेरा एक काम करते जाइएगा। क्या मतलब, कौन है आप? मैं पड़ोसन हूँ इनकी, आप शबनम की फूफो है ना? जी हाँ। बस तो फिर आप शबनम की और अदनान की शादी तय कर दें। कौन अदनान, कैसी शादी? अरे मेरे बेटे अदनान की शादी आपकी शबनम के साथ। अच्छा तो ये बात थी, इन लड़कियों ने मुझे इसलिए बुलाया था। खुद कहने की हिम्मत जो नहीं पड़ रही थी इनकी। लो ये भी कोई काम, अभी कराई देती। अरे हाँ, क्या मसला है, जब सब कुछ तय हो चुका है तो तारीख भी तय कर लेते हैं। अच्छा आप बेफिक्र हो जाओ, सब बात पहले तय हो चुकी है, बस अब आपने तारीख देनी है। ये क्या बकवास है, मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही सामने मेरी मर्जी और मेरी इजाजत के बगैर ये किसकी शादी तुम लोग तय कर रहे हो?
लड़का लंदन में है। हाँ भाई, लड़का लंदन में हो या जहन्नम में हो, अरे आपकी इजाजत से ही करेंगे शादी अपने शबनम और इनके अदनान की। तुम अच्छा नहीं कर रही हो फिरदौस, तुम्हें नहीं पता ये सारा इस मकान के किराए। नहीं, नहीं, मकान का कोई चक्कर नहीं है साबिर अली, देखिए मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, माशाल्लाह खेते हैं मेरे चावल के। सुन लिया ना आपने भाईजान, अब आपके मुझे इतना भी इख्तियार नहीं देंगे कि मैं अपनी शबनम की शादी करा सकूं। कोई मकान मकान का चक्कर नहीं है, जो करना है करो, मगर एक बात याद रखना, बाद में मुझसे मत कहना, देख लूंगा मैं तुम सब लोगों को। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस 15 तारीख ना तय है शादी की, फटाफट बारात लेके आ जाएं। नहीं साबिर भाई भी दिल के बुरे नहीं है, बड़ा प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं मेरा, कई दफा तो किराया नहीं लेते, इतनी मोहब्बत का इजहार करते, बस अब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी हो गई।